यारों मेरे प्यारों, कैसे हो सारों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज के एपिसोड में मैं जा रहा हूँ मार्लेश्वर मंदिर, जो कोकण मारल गांव में है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस गांव का नाम है बावनदी, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मार्लेश्वर, जो कि यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन एग्जैक्टली जो दूरी है मैंने मेरे बाइक के ट्रिप में डाला है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, मगर अप्रोक्सीमेटली 31 किलोमीटर है। तो चलिए मैं सफ़र को शुरुआत करता हूँ, और मेरे साथ इस सफ़र में मेरी बीवी और मेरी बेटी आरोही साथ में चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर दें। दोस्तों, अभी मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ से मार्लेश्वर 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और चलिए अभी यहाँ से आगे का रास्ता पार करते हैं और वहाँ जाकर मार्लेश्वर भगवान का दर्शन लेते हैं। हर हर मार्लेश्वर। दोस्तों, बाव नदी से मार्लेश्वर 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मेरे पीछे का व्यू आप देख ही रहे हो। दोस्तों, ये सह्याद्री के डोंगर है, पहाड़ है बड़े बड़े। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इन रंगोली निकाली हुई है, ऐसा लग रहा है इन पर्वतों को देख के, इन पहाड़ों को देख के। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। दोस्तों, ये श्री क्षेत्र मार्लेश्वर देवस्थान मारल का प्रवेश द्वार है, और ये दिखने में काफ़ी भव्य और बहुत बड़ा लगता है। मंदिर जाते वक्त सीढ़ियों पे छोटे बच्चों के खिलौने के, भगवान के प्रसाद के बहुत से स्टॉल लगते हैं। यहाँ से आप ब्रेकफास्ट और खाना भी खाकर आगे का रास्ता पार कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स और छोटे छोटे होटल्स अवेलेबल है। ये मार्लेश्वर भगवान के मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये यहाँ का पैनोरामा व्यू है, और यहीं से आपको मार्लेश्वर वाटरफॉल दिखता है। मंदिर के अंदर बोआ नाम के सांप की प्रजातियाँ पाई जाती है, जो मंदिर के अंदर घूमते रहते हैं, मगर आज तक इन्होंने किसी भी इंसान को कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई है। मंदिर के चारों बाजू पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है, और पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। मंदिर के बाजू में ये बहता हुआ झरना देखकर
ऐसा लगता है जैसे शिव शंकर भगवान के जटाओं में से गंगा बह रही है। भगवान के इस मंदिर आकर आसपास का ये अद्भुत निसर्ग देखकर मन को बहुत ही शांति मिलती है। भगवान शिव शंकर के मंदिर के नीचे यहाँ पर वैताल का मंदिर भी है। दोस्तों, मार्लेश्वर अपने भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। दोस्तों, मार्लेश्वर ये मारल गांव में आता है। ये देवरुख से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का तालुका संगमेश्वर है और जिला रत्नागिरी है। मारल का ईश्वर, इसके लिए ये जगह, ये मंदिर मार्लेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। मार्लेश्वर में भगवान शिव का एक जागृत शिवलिंग है और इसकी स्पेशलिटी ये है इस मंदिर की कि ये गुहा में बनाया हुआ है और इसके अंदर अगर आपको भगवान शिवलिंग का दर्शन लेना है तो समय के उजाले में ही उसका दर्शन होता है। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट या बल्ब का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसी के बाजू में पूरे 12 महीने बहने वाला एक वाटरफॉल है, एक धबधबा है, जिसको आसपास के लोग धारेश्वर के नाम से जानते हैं और यही धबधबा वाटरफॉल मार्लेश्वर के नाम से भी फेमस है। भगवान मार्लेश्वर का विवाह कोंडगांव साखरपा की गिरजाई देवी माँ के साथ होता है। ये मकर संक्रांति के दिन होता है। भोगी के दिन कोंडगांव साखरपा से गिरजाई देवी की पालकी मार्लेश्वर को निकलती है और इन 2 दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा भरती है और उसमें लाखों में भाविक भक्तगण शामिल होते हैं। दोस्तों, आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से आपको संगमेश्वर तक आना है, ट्रेन बस कहीं से भी आ सकते हैं, और वहाँ से आपको देवरुख में आना है और देवरुख से मार्लेश्वर 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आपके प्राइवेट बाइक या कार से मंदिर के नीचे तक आ सकते हैं और वहाँ से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 530 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भगवान का मंदिर आता है। तो आइए दोस्तों, आपको धारेश्वर मार्लेश्वर वाटरफॉल के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बना रहे आपका हमारा प्यार, बढ़ता रहे आपका हमारा कारोबार।